हरे कृष्णा। महाराज जनक बहुत माने हुए राजा हुए। इतने बड़े राजा थे कि कहीं साधु संत ऋषि भी महाराज जनक के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वो महाराज जनक जिनके बारे में गीता में वर्णन है, कर्मणे विषम सिद्धि मास्थित जनक आदय, कर्म योग से जनक महाराज ने अपना जीवन सिद्ध कर लिया और परम वैराग्य और भक्ति प्राप्त करी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जिनके जीवन में कोई पाप नहीं था, केवल पुण्य और भक्ति थी। वो जनक महाराज जब भी उनका राज्य काल अवधि खत्म हुई, उन्होंने वन में वैराग्य लिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ध्यान मुद्रा में अपने प्रभु पे ध्यान लगाया और तभी वैकुंठ से विमान आया उनको परम गति प्राप्त करने के लिए। जब वैकुंठ से विमान आया और महाराज जनक उस वैकुंठ विमान में बैठ के जा रहे थे, कहीं मार्ग होते हैं वैकुंठ की तरफ जाने के लिए, उनका विमान उसको जनक महाराज को उस मार्ग से लेके गया जहाँ पे यमराज की नगरी आती है। यमराज की नगरी से लेके गया और यमराज की नगरी में गए जब भी, विशेष रूप से उस नगरी का नाम है संयमपुरी। जब वहां से लेके गए तो उसके द्वार पे काफी लोगों की चिल्लाहट पुकार जनक महाराज को रोक लिया। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। क्यों रोक लिया? क्योंकि जनक महाराज के अंग से को स्पर्श करके जो वायु उस संयमपुरी में प्रवेश कर रही थी, वो वायु से वहां पे पीड़ित जीवों को राहत मिली। जनक महाराज रुक गए, रुक के देखा ये पीड़ित जीव कौन है। संयमपुरी में जो पीड़ित जीव थे उन्होंने जनक महाराज को बोला, कृपया आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आप इतने पुण्य आत्मा हैं, महात्मा हैं, आपके शरीर से निकलती हुई वायु जब हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है, हमारी पीड़ा से राहत मोक्ष मिल रहा है हमको। मानो जनक महाराज की इच्छा हुई, अगर मेरे रहने से इतने सारे जीव दुख से मुक्त हो रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तभी वहां यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने बोला, जनक महाराज आप जाइए, आप मत रुकिए, आपका स्थान तो भगवान हरि के दिव्य धाम में है, आप क्यों रुक गए यहां पे। जनक महाराज ने बोला, ये लोग पीड़ित क्यों हैं? यमराज जी ने बोला, अरे ये लोग बहुत पाप किए हैं, इसको देख रहे हैं, इसका पूरा जीवन व्याभिचार में परस्त्री संग में निकला है, इसको देख रहे हैं ये अपने मित्र की पत्नी से संबंध रखा है, इसको देख रहे हैं ये हमेशा चोरी का ही खाया है, इसलिए इसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, और ये सब को अनेक पीड़ाओं से सताया जा रहा है जो इनके पाप कर्मों का फल है, और ये इस स्थान पे हजारों साल तक पीड़ित रहने वाले हैं। जनक महाराज जी बोले, इनको मुक्त करने के लिए क्या उपाय है? यमराज जी बोले, एक उपाय है, अगर आप कुछ पुण्य दे दें तो ये मुक्त हो जाए। जनक महाराज ने पूछा कि मैं अपना कौन सा पुण्य दे दूं? यमराज जी बोले, आपको याद है कहीं 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 वर्ष पहले एक दिन सुबह आपने प्रभु राम का नाम बड़े ही भक्तिमय तरीके से पुकारा, और जब आपने प्रभु रामचंद्र का नाम पुकारा वो इतनी तीव्रता से, इतना इंटेंसिटी से, इतने भक्ति से पुकारा, उससे जो आपने पुण्य अर्जित किया वो एक क्षण की राम की पुकार ने आपको इतना पुण्य दे दिया कि वो सारा पुण्य अगर आप, वो एक क्षण की राम की पुकार का पुण्य अगर आप इन लोगों को दे देंगे तो ये सब के सब जीव जो हजारों साल तक पीड़ित रहने वाले हैं मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जनक महाराज सोचे, बहुत आसान, अभी देता हूं। उन्होंने अपना सारा पुण्य दे दिया। सोच देते वक्त ये नहीं सोचा कि अरे मेरा पुण्य चला गया तो मुझे नरक में सड़ना पड़ेगा। जनक महाराज के मन में दूसरों का उद्धार करते हुए तनिक भी चिंता नहीं आई कि मेरे जीवन का क्या होगा। उनको दे दिया, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी जनक महाराज ने प्रश्न पूछा यमराज से, इनको तो मोक्ष मिल गया लेकिन मुझे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे वैकुंठ विमान से दर्शन भगवान के धाम जाते हुए रास्ते में नरक के द्वार से गुजरना पड़ा। यमराज जी बोले, एक समय
एक समय आपसे एक छोटा सा पाप हो गया। एक गाय चारा खाने के लिए चरने के लिए जा रही थी और आप रास्ते में आ गए। और ये छोटे से पाप जो दिखने में छोटा है उसके लिए, क्योंकि आप उसके रास्ते में आ गए, आपके वैकुंठ रास्ते में नरक का द्वार आ गया। एकदा तू चरन्ति गाम वार्या मास वै भवान तेन पाप विपाकेन निरय द्वार दर्शनम। ये पाप हुआ आपसे, इसीलिए आपको यहां आना पड़ा। तो हम फिर से देखते हैं, गौ माता का स्थान इतना ऊंचा है कि छोटी सी गलती के लिए जनक महाराज को भी दुख भोगना पड़ा। तो जनक महाराज बोले, मैंने अभी अपना पुण्य दे दिया, उसका क्या? बोले, उसकी चिंता मत करो। पुण्य का स्वभाव ऐसा है कि अगर आप अपना पुण्य किसी को दे दो तो देने से आपका पुण्य दुगना डबल हो जाता है। इसलिए पुण्य देने से, ज्ञान देने से, कल्याण के काम करने से हमारा भी कल्याण होता है। और फिर जनक महाराज भी वैकुंठ में बैठ के भगवान के धाम गए। बोलो गौ सेवा की जय। हरे कृष्णा।